नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइज़र में। और दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आज का यहाँ पे DELED को लेके जो है क्या अपडेट है। अगर ये देखें तो भास्कर.com का रिपोर्ट है, ये झारखंड से रांची का ये रिपोर्ट है। इसमें अगर देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, NIOS और प्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए 75% उपस्थिति जरूरी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने भी आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि आपको ट्रेनिंग के लिए जो भी आपको स्टडी सेंटर पे जो क्लास लगाना है तो वहाँ पे आपको जो है 75% अटेंडेंस जो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं पुराते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और नीचे देखें तो यहाँ पर देखिए जो कि पूरा डिटेल में लिखा गया है, NIOS क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि 69,707 और प्रशिक्षित शिक्षकों को झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बनाए गए 707 केंद्र पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड का रिपोर्ट है, झारखंड में अगर देखें तो 69,707 जो उपस्थिति शिक्षक थे जिन्होंने कि NIOS में DELED के लिए फॉर्म भरा था, तो उन सभी के लिए जो है 707 जो है ट्रेनिंग केंद्र बना दिए गए हैं। और यहाँ पे देखें तो लगभग सभी टीचर्स को जो है स्टडी सेंटर वहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं और अगर आपको जो स्टडी सेंटर अभी तक नहीं मिला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और दोस्तों आगे देखें तो लिखा गया इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण 18 मार्च को समाप्त होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि झारखंड का जितने भी टीचर हैं उन सभी के लिए जो है PCP शेड्यूल्ड यहाँ पर आ गया है और उनका जो लास्ट क्लास जो है वो 18 मार्च तक यहाँ पर होगा। और फिर आगे लिखा है प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण जो है आपको पूरा करने के लिए जो है 75% जो है आपको यहाँ पे अटेंडेंस जो है लगाना जरूरी है, यानी कि 15 दिन की ट्रेनिंग में 12 दिन उपस्थिति रहना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 15 दिन का जो आपका ये PCP क्लास होगा जिसमें से कि आपको जो है 12 दिन जो है वहाँ पर अटेंडेंस लगाना, यानी वहाँ पर आपको क्लास लगाना जो है वो काफ़ी जरूरी है। अगर आप 12 दिन क्लास नहीं लगाते हैं तो आपको जो एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये 12 दिन क्लास लगाना जो ये जो है काफ़ी ज़रूरी है। और आगे लिखा है उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में 12 दिन का वर्कशॉप सभी अध्ययन केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। इसमें 100% उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि इस वर्कशॉप में प्रैक्टिकल होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल भी होगा और जो भी आपका PCP शेड्यूल जो कि इसमें पूरा डिटेल में दिया गया था कि वहाँ पर क्या क्या होगा, किस दिन जो क्या पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और फिर जो भी आपका प्रैक्टिकल है वो सब होगा। फिर जो भी आपका असाइनमेंट है वो भी आपका वहाँ पर चेक होगा और फिर उसका नंबर भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होगी। तो ये झारखंड का रिपोर्ट था कि झारखंड में जो है 69,707 शिक्षकों ने वहाँ पर DELED के लिए फॉर्म भरा था, जिसके लिए कि यहाँ पर 707 जो है ट्रेनिंग केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें कि आपको यहाँ पे देखें तो 15 PCP क्लास में जो है 12 PCP क्लास जो आपको लगाने काफ़ी जरूरी है, तभी आप जो है NIOS के लिए DELED का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ये झारखंड का रिपोर्ट था। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगर अगला रिपोर्ट देखें तो ये जो MP से यानी मध्य प्रदेश से है और ये भी रिपोर्ट जो है भास्कर.com से लिया गया है। इसमें देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, प्रशिक्षण शिक्षकों को DELED के विषय में प्रशिक्षण दिया। और फिर नीचे देखें तो पूरा डिटेल में लिखा गया है, BRC कार्यालय में बुधवार को उपस्थित शिक्षकों को DELED के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर खास तौर से मौजूद BRC अजीत कुमार पांडे ने DELED की बारीकियों के बारे में बताया। तो यहाँ पे देखिए बुधवार को जो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया, यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो कुछ आप लोगों के बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे कि देखें तो कहीं कहीं जगह जो है बुधवार को भी क्लास लिया जा रहा है या फिर सैटरडे को भी क्लास लिया जा रहा है। तो बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उन लोगों को यहाँ पे काफ़ी जो परेशानी हो रही है क्योंकि बुधवार को जितने प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जो क्लासेस होती है या फिर शनिवार को भी जो है वहाँ पे क्लासेस होती है, तो उन लोगों को वहाँ पे जो स्कूल में छुट्टी भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इस चीज़ पे भी NIOS को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का कमेंट आ रहे थे किस तरह से वहाँ पे क्लास करना है क्योंकि मुझे स्कूल में जो है छुट्टी नहीं दी जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो अभी जो समय चल रहा है फरवरी और मार्च का जो समय होता है तो यहाँ पे जितने सारे स्कूल हैं सभी स्कूल में बच्चों के जो एग्जामिनेशन भी होते हैं या फिर उनका टेस्ट होता है, तो यहाँ पर जितने सारे जो टीचर हैं उनको जो यहाँ पे स्कूल से छुट्टी भी नहीं दी जा रही है कि आप स्टडी सेंटर पर क्लास लगाएं क्योंकि वहाँ पर बच्चों के जो एग्जामिनेशन होते हैं तो टीचर्स को वहाँ रहना काफ़ी जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है NIOS को ध्यान देना चाहिए। बहुत जगह जो इस चीज़ को लेकर जो बातें उठाई जा रही है, अब आगे देखते हैं इस चीज़ पे क्या होता है क्योंकि इस तरह के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और फिर आगे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है उनके अलावा शासकीय श्री विक्रम उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य BD सक्सेना, शासकीय कन्या उमावी के प्राचार्य महेश कुमार त्रिपाठी, शासकीय उमावी मंडवार के अनिल व्यास और शासकीय उमावी तलेन के हुकुम चंद गलवी ने भी प्रशिक्षण दिया। विशिष्ट शिक्षक आनंद शर्मा ने परीक्षार्थियों को पाठ योजना के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण यहाँ पे MP में दिया गया था बुधवार को, तो यहाँ पे जो उसी के बारे में यहाँ दिया गया है कि उन सभी को प्रशिक्षण दिया, कौन कौन मौजूद थे, तो उन सभी का यहाँ पे नाम दिया गया है। दोस्तों अगर आपका भी इस तरह से PCP शेड्यूल्ड में या फिर जो है आपका इस तरह से स्टडी सेंटर पे बोला गया है कि आपको बुधवार को क्लास लगाने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरह से वीडियो के थ्रू जो बातों को आगे बढ़ाया जाएगा
या फिर जो भी है मीडिया के थ्रू फिर इस बातों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जगह जो है इस तरह से टीचर लोग जो है वहाँ पे इस चीज़ का बहिष्कार भी कर रहे हैं कि बुधवार को जो इस तरह से क्लास ना हो या फिर सैटरडे को जो है क्लास ना हो, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स को क्लास अटेंड करने में जो काफ़ी परेशानी हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्टडी सेंटर पर जो है 75% जो अटेंडेंस भी आपको देने काफ़ी जरूरी है, यानी अगर आपका टोटल 15 PCP क्लास है जिसमें कि आपको 12 क्लास जो है लगाने काफ़ी जरूरी है, तो यहाँ पर इस तरह से काफ़ी परेशानी भी आ रही है। जिसमें NIS को शेड्यूल बनाया गया तो यहाँ पर जो उतने सही से नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो बीच बीच में जो क्लास जो दिया जा रहा है कि यहाँ पे शिक्षकों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या अपडेट आता है, इस तरह से जो भी अपडेट आता है तो आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बढ़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक की जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।